हेलो दोस्तों, ये मेरे सामने तरबूज है। ये तरबूज, ये खरबूजा, इसको मैं बहुत पसंद करती हूँ कि जितने टाइम ये सीज़न में रहता है, हमारे घर में 2 या 3 किलो ज़रूर होता है और ज़रूर मैं लेती हूँ। और डेली ही जब तक सीज़न रहता है, तरबूज और खरबूजा हम लोग खाते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स है वाटर का, हाइड्रेशन का, हमारे बॉडी में हाइड्रेशन बनाने का। और सीजनल फल तो ज़रूर खाना चाहिए। इस समय एप्पल के पीछे मत दौड़िए, इस समय जितने भी सीजनल फल आपको मिल रहे हैं वो सब खाएं। तो ये मुझे बहुत ही पहली बार ज़िंदगी में मैंने देखा कि मुझे पीले रंग का तरबूज मिला। मैंने इतना बचपन से तरबूज खाया है, लेकिन पहली बार मुझे पीले रंग का तरबूज मिला। मैंने 3 तरबूज खरीदे, तरबूज बेचने के लिए आया था घर पे, तो मैंने 3 तरबूज खरीदे। वो तो वही आदत है हमारी, लाल रंग का अंदर से तरबूज निकलने की, लेकिन ये मुझे पीले रंग का तरबूज मिला। मैंने ज़िंदगी में पहली बार पीले रंग का तरबूज देखा, और क्योंकि नेट पे 1-2 बार मैंने देखा था, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब मुझे मिला तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। फिर मुझे लगा कि ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन मैंने जब इसको खाया तो ये बहुत ही मीठा है। ये बहुत ही मीठा तरबूज है, जितना लाल से भी दुगना मीठा है और बहुत टेस्टी भी है। फिर क्योंकि पढ़ने पढ़ाने की आदत है, तो फिर मैंने नेट पे, गूगल पे तलाशा, कई सारे मैंने रिसर्च पेपर भी देखे और कई सारे आर्टिकल्स भी देखे, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली तरबूज का, जब से तरबूज कल्टीवेट किया गया है 5000 साल पहले से, अफ्रीका में शुरू किया गया था, ये सब मैंने पढ़ा। तो तब पीले रंग का तरबूज होता था, लेकिन वैरायटी जब डेवलप होने लगी, आपको पता है हर की वैरायटी डेवलप होती है, हर सब्जी, हर फलों की वैरायटी डेवलप होती है। तो जब वैरायटी डेवलप करने लगे लोग, साइंटिस्ट या फार्मर्स भी वैरायटी डेवलप करते हैं, तो जो अच्छा दिखता है उसको और ग्रो करते हैं, उनमें से अच्छा दिखता है तो उसको ग्रो करते हैं, उसको सिलेक्शन मेथड कहते हैं। तो उन लोगों ने ये देखा कि मार्केट में लाल रंग के तरबूज की ज़्यादा डिमांड है, जो लाल बन पा रहे हैं, जो वैरायटी लाल बन रही, तो उनको वो ज़्यादा प्रोपोगेट करना शुरू किया। तो लाल रंग में लाइकोपीन होता है, जो हमारे टमाटर में होता है, वही लाइकोपीन, वही प्लांट पिगमेंट्स तरबूज में भी होता है, रेड वाले में। तो उसकी मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा थी, हालांकि वो इतना स्वीट नहीं था जितना कि ये आपका पीले रंग का है तरबूज, लेकिन ये पीछे हो गया और लाल वाला तरबूज आगे हो गया। तो लोग लाल वाला ही, हम लोगों ने शुरू से ही, जब से हम लोग छोटे थे, हमें लाल वाला तरबूज ही देखा। तो बिल्कुल अचानक से ये हमारे पास 3 तरबूज खरीदे, उसमें से ये आपका 2nd नंबर का तरबूज है जो येलो कलर का है, और बाकी तो ये खरबूजा, वो पता ही है खरबूजा। और हम लोग बहुत खाते हैं, और मैं सबसे रिकमेंड करती हूँ कि सब लोग इस सीज़न में जितना इस तरह का, जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट है, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खीरा है और खरबूजा है, ये सारी चीज़ें खूब खाइए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में पानी कमी नहीं होगी, और पानी की कमी अगर पानी कमी है तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि पानी की कमी ना हो। अब मैं कोशिश कर रही हूँ इसको काटने की। जो 3rd नंबर का हमारा तरबूज है, मैं देखती हूँ कि इसमें से कौन सा कलर निकलता है। तो मैं देख रही हूँ कि इसमें से भी येलो ही बाहर आ रहा है, ये भी येलो कलर का तरबूज है। तो कोई बात नहीं, पहली बार सही हम येलो कलर का तरबूज खा रहे हैं और बड़ा मजे ले रहे हैं, ये बहुत ही टेस्टी है। तो हो सकता है इस समय मार्केट में येलो कलर के तरबूज आ रहे हैं, आपको मिले, आप भी खाइए, इंजॉय कीजिए, लेकिन बॉडी में हाइड्रेशन बना के रखिए। 100 बीमारियों को हटाता है अगर आपकी बॉडी में हाइड्रेशन। ये लाल नहीं है, इसका मतलब इसमें लाइकोपीन नहीं है। कोई बात नहीं है, इसमें बीटा कैरोटीन है और बहुत सारे मिनरल्स हैं। कोई भी फ्रूट्स में, किसी भी फ्रूट्स में ले लीजिए, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं,
चाहे वो मैग्नीशियम हो या वो कैल्शियम हो या फॉस्फोरस हो या जिंक हो, सारे होते हैं। विटामिन्स बहुत सारे होते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी बहुत सारे होते हैं सारे ही फ्रूट्स। तो फ्रूट्स बहुत अच्छा सोर्स है आपके विटामिन्स का और मिनरल्स का। और अगर इस तरह के वाटरी फ्रूट्स हैं तो आपकी बॉडी में पूरा का पूरा पानी का मात्रा भी पूरी हो जाती है। देखिए यही मैं कहूँगी, ये धरती का कमाल, पृथ्वी का कमाल या नेचर का कमाल, जब हमारी बॉडी से गर्मियों में पानी की मात्रा कम होने लगती है तो नेचर ने वही पैरेलल प्लांट्स में पानी भरना शुरू कर दिया। तो आप हम लोग सबको नेचर में बहुत बिलीव करना होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।